क्या नाम है आपका? मणिभूषण कुमार। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार से आ रहे हो। और आपकी बेटी का क्या नाम है? रिया कुमारी। ओके, रिया कितने साल की है? 8 साल की। अच्छा, उसको क्या तकलीफ थी? तकलीफ थी कि वो सुनती और बोलती नहीं, मतलब जन्म से उसको प्रॉब्लम था, बहरापन था, बाय बोन डेफनेस। जी जी जी, ठीक है। तो आपने कितने डॉक्टरों को दिखाया था इस बारे में? इससे पहले 2 डॉक्टर से दिखाया गया था। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि आपको मशीन लगाना पड़ेगा, एक कान लॉस है, दूसरा कान में थोड़ी सी सुनने की क्षमता है, तो मशीन लगवाए और स्पीच थेरेपी करवा दे। ठीक है, अभी आप हमारे सेंटर पर आए जी, और यहाँ पे 2 घंटे का ट्रीटमेंट हुआ विदाउट मशीन, विदाउट ऑपरेशन वाला जी। तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? रिजल्ट पॉजिटिव है। बराबर, रिजल्ट पॉजिटिव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द हम लोगों के मेहनत से जल्द से जल्द बोलना एकदम परफेक्ट सीख जाएगी जी, जी, क्योंकि सुनेगी तो बोलेगी जी। अब सुनने लगी है, बस बुलवाने का काम आपको करवाना है, थोड़ी मेहनत आपको लगेगी घर वालों को, फैमिली मेंबर को, बट फटाफट बोल देगी क्योंकि बहुत ही प्यारी बच्ची और क्लेवर है जी। मतलब वो फटाक से ग्रीप कर लेती है बात को, तो वो बहुत समझदार है, इसलिए वो फटाक से बोलने लगेगी। रिया, ओके ओके ऐसे करो। ओके, यस। हाय मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिठू देवी। थोड़ा सुना नहीं, मेरे भी कान बंद हो गए। मिठू देवी। अच्छा, तो क्या लगा आपको? अभी तो देख रहे हैं, पहले जो थी उससे थोड़ा सा सुन रही है। देखिए, विदाउट मशीन वो अपनी बातें सुन रही है जी। बट अभी उसको क्या अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो वो कन्फ्यूजन थोड़ा रहेगा, उसको शब्दों की समझ, शब्दों की पहचान चाहिए। जैसे जैसे आप करवा देंगी, जितना जल्दी करवाएंगी, वो बहुत ही जल्दी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बोलने लगेगी। ठीक है, ओके रिया। रिया, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पप्पा, नानी, नानी, नानी।